भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। नारी अपने को शोषित ना करे, एक सास बहू को प्रताड़ित करती है, इसलिए प्रताड़ित करती है कि वह दहेज में रुपया कम लेकर के आई है। लड़की के माँ बाप को उलाहना मिलता है, उन्हें शर्मिंदा होना पड़ता है, बहू को जिंदा जला दिया जाता है। मेरा नागपुर में चतुर्मास हो रहा था, एक बाप ने अपनी बेटी की शादी की, मालूम है बेटी का घर बसाने में बाप का घर बिक जाता है, अपने घर को गिरवी रखता है तब बेटी का घर बसाया करता है। उस बाप ने ऐसे ही किया, अच्छा लड़का मिला, अच्छा परिवार मिला, अपनी बेटी का विवाह कर दिया, लेकिन भूल गया वो लड़की का बाप कि जो लोग खुलेआम दहेज मांगते हैं ऐसे लोग मेरी बेटी को कभी सुख नहीं दे सकते हैं। मोटी रकम ऐठी गई, धीरे धीरे वक्त बीता, बाप ने मकान गिरवी रखा, दुकान गिरवी रखी, वो सोचा कि चलो मैं फिर से मकान बना लूंगा, फिर से दुकान ले लूंगा, कोई बात नहीं है, मेरी बेटी का घर बस जाना। चाहे लड़की के पिता बनना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मान्यवर इतना सब करने के बाद भी लड़की पक्ष को शर्मिंदा किया जाता है। बारात लेकर आते हैं, बेचारा कर्ज में डूबा हुआ लड़की का बाप अपने चेहरे से चिंताओं की रेखाओं को मिटा करके मुस्कुराता है, बरातियों के सामने हाथ जोड़ता है, उनका अभिवादन करता है, आवभगत करता है, स्वागत करता है, सत्कार करता है, अपनी हैसियत से ज्यादा अपनी बेटी के लिए करना चाहता है। लेकिन उसके बाद भी बराती लोग आकर के लड़की पक्ष के सम्मान में कमियां निकालते रहते हैं, उसे झिड़कियां देते रहते हैं, उसे अपमानित करते रहते हैं। अभिवादन करते करते बेचारा लड़की का पिता थक जाता है। क्या वजह है इस देश में कि आज भी लड़की वालों को छोटा समझा जाता है, आज भी उन्हें दोयम दर्जा दिया जाता है, लड़की वालों को हाथ जोड़ करके जीना पड़ता है, लड़की वालों को सिर झुका के जीना पड़ता है, लड़की वालों को नजरें झुका करके बात करना पड़ती है। क्या वजह, आज भी लड़की का पिता लड़के वालों के सामने गिड़गिड़ाता रहता है, हाथ जोड़ते रहता है। 21वीं सदी का ये भारत, इतनी उन्नति करने के बाद भी आज हमारा देश लड़के और लड़की की भेद रेखा नहीं मिटा पाया है, सबसे बड़ी विसंगति है हमारी समाज के भीतर मौजूद है। उस लड़की के पिता ने लड़की की शादी कर दी, पहली बार लड़की अपने ससुराल गई, 15 दिन बाद बाप उसे लेकर आया, लड़की से पूछा ससुराल कैसी है बेटा, उसने कहा कुछ नहीं पिताजी, अच्छी है, ठीक है। बाप को लगा कि जरूर लड़की कुछ छिपा रही है। दूसरी बार फिर पहुंची ससुराल, उसे बार बार प्रताड़ित किया जाने लगा, उसकी सास कहती कि पैसा लेकर के आ अपने माँ बाप से। एक बार कर्ज लेकर के, मान्यवर ये कोई कहानी नहीं है, नागपुर के पास की एक घटना है, सत्य घटना है, अखबार में पढ़ी गई। उसे कहा गया कि पैसा लेकर के आओ, लड़की बोली अम्मा जी मेरे पिताजी की इतनी हैसियत नहीं है कि वे हर बार आपको पैसा दे सके, कर्ज करके उसने मेरा विवाह किया है, घर गिरवी रख के उसने मेरा विवाह किया है, अम्मा जी आपको जितना काम उससे कराना है करा लीजिए, लेकिन मेरे माँ बाप को पैसों के लिए परेशान मत करिए, वो बहुत गरीब हैं, आपने दहेज मांगा उन्होंने दहेज दिया,
लेकिन अब उनका इतना सामर्थ्य नहीं है, उनकी एक छोटी बेटी और है, उसकी भी उसे शादी करना है। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझसे जो आप कराएंगे, कपड़े धुलाएंगे, कपड़े धोऊंगी, बर्तन साफ कराएंगे, मैं बर्तन साफ करूंगी, मैं नौकरानी बनकर रह जाऊंगी। लेकिन अम्मा जी, मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे पीहर से पैसा मत मंगाइएगा। मैं तुमसे निवेदन करती हूँ, यदि मेरे बाप के पास होता तो मैं और ज्यादा ला करके तुम्हें देती। सास ने कहा हमें कुछ नहीं सुनना है, अपने पीहर से पैसा लेकर आओ। ननद प्रताड़ित करने लगी, ससुर मौन रहने लगे। पति ने कहा यदि तू 10 लाख रुपए लेकर नहीं आई तो इस घर में तेरे लिए कोई स्थान नहीं है। क्या करती वो गरीब की लड़की, फोन लगा के पीहर में बोल नहीं सकती कि पैसा चाहिए। उसे मालूम था कि यदि मैं मांगूंगी और अपने माँ बाप से अपने दुखों का बयान करूंगी तो मेरा बाप हार्ट पेशेंट है, वो दुनिया में जिंदा नहीं रह पाएगा। कितना मजबूर किया गया उस लड़की को। उसने अपने पति को बहुत समझाया कि देखिए मुझे मजबूर मत करिए, मेरे माँ बाप नहीं, मैं चकली रोटी खा के रह लूंगी। मैं तुमसे निवेदन करती हूँ कि जैसा रखोगे वैसा रहूंगी, मैं एक सामान की भी तुमसे डिमांड नहीं करूंगी। लड़के ने कहा कि वो कुछ नहीं, तू अपने बाप के यहां से पैसे लेकर के आ। और एक दिन ध्यान रखना, उसे मारा जाने लगा, पीटा जाने लगा, उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। लड़की मजबूर न ससुराल छोड़कर जा सकती है, न पीहर से पैसा मांग सकती है। एक दिन पिता लेने आया, लेकर के उसे पीहर आया, छलक पड़ी लड़की की आंखें। पिता को समझते देर न लगी, उसने कहा बोल बेटी तुझे क्या कष्ट है इस घर में। बोले कुछ नहीं पिताजी, सब ठीक है, जो मेरे भाग्य में है वही होगा, आप चिंता नहीं करें। बोले बेटी लगता है कि तू है प्रताड़ित होती है। बोला कुछ नहीं पिताजी, माने का बेटा बता तुझे क्या कष्ट है उस ससुराल में। उसने कहा मां मुझे कोई कष्ट नहीं है, जितने दिन मैं रहने आई हूं पीहर में उतने दिन रहूंगी और लौट करके घर चली जाऊंगी। सुबह से शाम वह देखती मां, मां का हृदय था, बेटी की भावनाओं को पढ़ा करती थी। उसने कहा बेटी तुझे मेरी कसम है, एक बात बता तुझे क्या दुख है। रो पड़ी मां से लिपट के, मां मैं तुम्हें कैसे बताऊं, ऐसी ससुराल मिली है मुझे जो कहती है कि अपने पीहर से पैसा लेकर के आओ। मां मुझे मालूम है ना, ये मकान गिरवी रखा है पापा ने, अब बता मां मैं इस उम्र में उनसे कैसे कहूं कि मेरे लिए पैसा चाहिए, मैं कहां से पैसा ला करके दूं। मां यदि मैं दहेज प्रकरण में जाकर के पुलिस में रिपोर्ट करती हूं तो मैं कैसे लड़ूंगी, मेरे पिता के पास तो केस लड़ने के लिए भी पैसा नहीं है, मैं क्या करूं। मां मां बड़ी चिंतित हो गई। माने का चिंता मत कर, मेरे पास कुछ चूड़ियां पड़ी है सोने की, ये ले जा करके अपने पति को देते हैं, तू खुश रहे। उसने कहा मां ये चूड़ी तुम रखो, ये छोटी वाली की शादी करना है आपको और आपने चूड़ियां दे दी, अगले महीने फिर डिमांड आएगी, बता मां मैं कहां तक दूंगी उसे। तुम चिंता मत करो, मैं धीरे धीरे उस घर को सुधार लूंगी, उस घर को बदल लूंगी। 15 दिन बीते, पिता लड़की को छोड़ने ससुराल गया। ससुराल में जाकर के लड़की को जैसे ही रखा, सास ने ढंग से बात ना की, ननद ने ढंग से बात नहीं की। और एक दिन उसे बोला कि बोल तू कुछ लेकर आई है या नहीं आई है। रो पड़ी किस्मत की मारी, मालूम है क्या हुआ, सास ने और ननद ने उसे कमरे में बंद कर दिया। और बंद करने के बाद बोले हमने देख लिया तेरा कुछ नहीं हो सकता है। कहते हैं इतना प्रताड़ित किया उस लड़की को, उसके हाथ पैरों को बांध करके इतना मारा गया, एक लोहे की राड से मारा गया,
ननन ने मारा, सास ने मारा, और तो और आवेश में आकर पति ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल दिया और इतना आवेश, इतना क्रोध भरा, तड़प रही है वह अबला कि मुझे कहां मेरा शादी हो गई, इससे अच्छा तो कुमार ही मेरा जीवन बीत जाता। और देखते ही देखते वो जो ननन थी भूल गई कि मैं भी किसी की बेटी हूं, कहीं ससुराल में जाऊंगी। उसने लोहे के चाकू से उसकी दोनों आंखों को फोड़ दिया, खून की धार लग गई। अब जब वह चीखती है लड़की, मिट्टी का तेल डाला गया और एक दिया सलाई जला करके उस लड़की को जला करके राख कर दिया गया। तड़पती रही वह अबला, अखबार में पढ़ा, मेरा दिल दहल गया ये देखकर। ऐसे नराधम लोग भी आज इस दुनिया में जिंदा है जो पैसे की खातिर बेटियों को ऐसे चला दिया करते हैं। मान्यवर तड़प तड़प के जल गई, चीख पुकार सुन के पड़ोसी एकत्रित हुए। कहते हैं घर में सुबह सुबह फोन की घंटी घनघनाई। लड़की के बाप ने सोचा सुबह 6 बजे फोन आ रहा है, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ होगा, मेरी बेटी के साथ कुछ गड़बड़ हुआ है, आंख फड़क रही है माँ की। जैसे ही फोन उठाया, ससुर ने फोन किया कि समधी जी, आपकी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, तुरंत आ जाइए। लड़की की माँ समझ गई कि कुछ अनहोनी घट गई है उस घर में। दौड़े दौड़े लाचार माँ बाप पहुंचे उस घर में, और जैसे ही घर में पहुंचे क्या देखते हैं कि लड़की के ससुर और पति ने कहा इसे जल्दी जला दो। माँ बाप आए उससे पहले इसका अंतिम संस्कार कर देना चाहिए, ये अपने आप धोखे से मर गई है। गांव के लोगों ने कहा कि हो सकता है सुबह सुबह कुछ काम कर रही हो, गैस भभक पड़ा हो और जल गई हो। ले जाकर के अर्थी को मरघट में ले जाया गया। यहाँ ट्रेन लेट हो गई, पहुंचे दोनों माँ बाप। घर में पहुंचते हैं तो एक कंडा जलने का धुआं दिखाई दे रहा है। लड़की की माँ ने कहा मेरी बेटी कहाँ है? बोले अम्मा जी जरा संभलिए, अपने आप को संभालो। उसे मरघट में ले जाकर उसका संस्कार हो रहा है। मेरी बेटी को तुमने मार डाला है। दौड़े दौड़े रिक्शे में बैठकर मरघट गए, लकड़ियां रची जा रही है। लड़की की माँ ने चिता बिखेर दी कि नहीं, ऐसे नहीं जल सकती है लड़की। उसके भीतर मातृत्व भाव जग गया, चिताएं बिखेरी। जैसे कफन में से मुंह हटाया गया, मुंह से कफन हटाया, मां देख कर बेहोश हो गई। इस लड़की की दोनों आंखें निकाल दी गई, जिस लड़की को चाकू से गोद करके मार दिया गया, जिसके शरीर को पहचाना नहीं जा सकता है। उसने कहा पहले पुलिस केस बनेगा, उसके बाद लड़की को दफनाया जाएगा, उसके बाद लड़की को जलाया जाएगा। सारा गांव इकट्ठा हुआ, पता चला कि लड़की ने सुसाइड नहीं किया, लड़की को इन हत्यारों ने मिलकर के मार दिया है। ध्यान रखिए मान्यवर, लड़की का लाचार बाप जार जार आंसू बहा रहा, लड़की की मां बेहोश होकर पछाड़ खाती है, चंद रुपयों के खाते उसकी हत्या कर दी। ध्यान रखिए, जीते जी घर की लक्ष्मी को अंगारों में भार दिया, दौलत के अंधों ने निर्धन की बेटी को मार दिया, दौलत के अंधों ने निर्धन की बेटी को मार दिया। पहले तो मीठी बातों से उसका मन फुसलाया, फिर एक रोज अंधेरे कमरे में उसको बुलवाया, मुंह पर पट्टी बांध दी गई, शोर नहीं मच पाया। जल्दी ही दो हाथों ने फिर एक 16 सुलगाया, और तड़पती अबला पर फिर तेल जमा झमझार दिया, दौलत के अंधों ने निर्धन की बेटी को मार दिया।
लड़की कैसी रहती है ससुराल में, विचार करिए। जीवन भर के लिए अरे जो दासी बनकर रहती है, जिसमें बहे सभी का मन जो उन लहरों में बहती है, तानों के तीखे बाणों को जो हंस हंस कर सहती है, चाहे दम घुट जाए मगर जो मुख से कुछ ना कहती है, तो मर्यादा की उस मूरत को ये कैसा अंजाम दिया। दौलत के अंधों ने निर्धन की बेटी को मार दिया। वो देश के हालात क्या है, बहरे मेरे देश, यहाँ पर सब संभव हो जाता है। रिश्वत का साबुन हत्या के धब्बे तक धो जाता है, बिका हुआ कानून कहीं पर आंखें मूंद सो जाता है, सुनवाई का नाटक कर प्रकरण फाइल हो जाता है। देखो नारी को दुनिया ने क्या अच्छा सम्मान दिया, दौलत के अंधों ने निर्धन की बेटी को मार दिया, जीते जी घर की लक्ष्मी को अंगारों में भार दिया, दौलत के अंधों ने निर्धन की बेटी को मार दिया, दौलत के अंधों ने निर्धन की बेटी को मार दिया। मानिवर विचार करिएगा, सोचना है आपको, मैं लड़की के माता पिता से निवेदन करूंगा कि आपके पास पैसा है, आपके पास धन है, आपके पास रुपया है, अरे झूठी सानो सौगत में अपनी बेटी की शादी में करोड़ों रुपए बर्बाद मत करिए, ध्यान रखिए। आज आपके पास है, आज अपनी बेटी की शादी में करोड़ों रुपए दान करते हैं, किसी गरीब की बेटी तुम्हारे इस दिखावे के कारण एक दिन हत्या की बलि वेदी पर चढ़ जाया करती है, ध्यान रखिए। सादगी से शादी होना चाहिए, एक बात ध्यान रखिए, शास्त्रों में चार दान बोले गए हैं, आहार दान बोला, औषधि दान बोला, अभय दान बोला है, ज्ञान दान बोला है, एक दान और ग्रस्त का बनता है जिसे मैं कन्या दान कहकर के बुलाया करता हूं। कन्या से बड़ा दान दुनिया में कोई नहीं होता है, ना जाने क्या परंपरा है इस देश की कि जो व्यक्ति करेंसी का दान करता है, अरे कागज के टुकड़ों का दान करो तो उसका सम्मान होता है, उसे माला पहनाई जाती है, उसे पगड़ी पहनाई जाती है, कागज का टुकड़ा दिया जाता है उसके बड़े गुणगान किए जाते हैं, कागज के टुकड़ा दान करने वाले का इस देश में सम्मान होता है, वो जो बाप दिल का टुकड़ा दान करता है उसका अपमान क्यों होता है, अरे बेटी उसके दिल का टुकड़ा है, बेटी उसके जिगर का टुकड़ा है, अपने खून का दान करता है फिर उसका सम्मान क्यों नहीं होता। नीति तो कहती है कि देने वाला बड़ा होता है और लेने वाला छोटा होता है, लेकिन ये कैसी परंपरा बना दी कि कन्या देने वाला छोटा होता है और लेने वाला बड़ा, ध्यान रखिए, तोड़िए ये परंपराएं, ये दकियानूसी रीति रिवाज रस्म रिवाज, दिल का टुकड़ा देने के बाद भी वो छोटा बना रहता है, वह झिड़कियां सुनता है, वह ताने सुनता है लड़की का पिता। मानिवर यदि इन परंपराओं को नहीं बदला गया तो मेरे देश की बेटियां दहेज की बलि वेदी पर चढ़ती रहेंगी, और ना जाने कितनी बेटियां आज इस देश में फांसी के फंदे पर झूली होगी, कितनी बेटियों को जिंदा जला दिया गया होगा, कितनी बेटियां दर दर की ठोकरे खा रही, अमीर लोगों के कारण है, ध्यान रखिए। झूठा दिखावा और शान शौकत, हमारी लड़की की शादी है,
मैं कहता हूं किसी मंदिर में पैसा दे देना, लेकिन लड़की बाल लड़के बालों को कभी दहेज में एक रुपया भी देने का तो साहस नहीं करना, वरना हर गरीब भगवान से कहेगा कि भगवान सब देना लेकिन हमारे घर में लड़की को जन्म मत देना। ध्यान रखिए, आपकी झूठी शान सौ पर ध्यान। एक समाज है राजस्थान में, नागदा समाज, जैन समाज की एक समाज है, मैं बड़े आदर से उसका नाम लेता हूं। उस समाज में न दहेज लिया जाता है और न दहेज दिया जाता है। अरबपति भी होगा तो लड़की की शादी वैसे ही करेगा जैसे साधारण लोग करते हैं, गरीब भी होगा तो शादी वैसी ही होगी। सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाता है, मान्यवर अबलाओं के साथ खिलवाड़ मत करिए, कन्यादान से बड़ा दुनिया में कोई दहेज नहीं हुआ करता है, कन्या से बड़ा कोई दान नहीं हुआ करता है। मान्यवर अपने सीने के टुकड़े को किसी अनजान घर में दे देना ये किसी लड़की के पिता की बस की बात है, हर किसी के बस की बात नहीं हुआ करती है। सोचना है, बरसों साथ रहती है 20-20 साल, एक पिता उस लड़की को नाजों से बाल पोस करके बड़ा करता है, कितने अरमान हो गए उस पिता के जिस लड़की को प्रताड़ित करके मार डाला है। उसने तो सोचा होगा कि मेरी बेटी ऐसे घर में जा रही है कि बाबुल का घर भूल जाएगी, तो सब ससुर के घर को अपना घर स्वीकार करेगी। मान्यवर सोचिए, आप कभी कल्पना करिए, मैं कहता हूं कन्यादान से बड़ा दान दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता है। लड़की वाले लड़की देने के बाद भी लड़कों वालों का एहसान मानते हैं, हकीकत में तो एहसान लड़के वालों को मानना चाहिए कि उसने तुम्हारी अपनी बेटी तुम्हारे यहां दान में दे दी है। अरे तुम्हारी औकात तो बारात लाने की भी औकात नहीं बची है, आजकल तो लड़की ही बारात लेकर के आ जाती है। विचार करिए, किस बात की छाती चौड़ी करे घूमते हो, सारा पैसा लड़की पक्ष से ले लिया जाता है, झूठी शान शौकत बघारते हुए घूमते हो। आपके जीवन में आप तो एक भिखारी को रोटी नहीं दे सकते हैं, एहसान मानो कि उसने अपनी बेटी तुम्हें दे दी है। और एक बात ध्यान रखना, एक लड़की का बाप अकेली बेटी नहीं देता है, तुम्हारे घर को हजारों हजारों रिश्ते दिया करता है। लड़की के बाप ने गरीब लड़की नहीं दी है, अरे ये लड़की का बाप यदि अपनी लड़की नहीं देता तो लड़की के पिता तुम्हें सास ससुर बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। एक रिश्ते दिए हैं लड़की के पिता ने, एक तुम्हारे घर में वंश का अंश दिया है, ये लड़की के पिता का एहसान है तुम्हारे पास। चाची मामी नानी कहलाने का सौभाग्य एक लड़की का पिता देता है, और तुम्हारी औलाद को बाप बनने का सौभाग्य एक लड़की के बाप ने तुम्हें प्रदान किया है। ध्यान रखिए, वरना ऐसे ही घूमते रहते, एक लड़की हजार रिश्ते लेकर के आती है, तुम्हारे घर में लक्ष्मी बनकर आई है, जब शादी होकर बेटी आती है तो आरती उतारते हो, चंद रूपों के खातिर उसे चिताओं में जला के खाक भी कर दिया करते हो। मान्यवर बोल, दुनिया के रसीले हो गए, अब ये क्यों अंदाज कटीले हो गए, एक गुर्दा बिक गया तो क्या हुआ, हाँ तो लड़की के पीले हो गए। अपने तन का गुर्दा बेच करके लड़की के हाथ पीले करना पड़ते हैं। लड़की के पिताओं से मैं कहूंगा, क्या करोगे ऐसे दामाद का जिसकी नजर तुम्हारी दौलत पर हो, ऐसे नपुंसक और निकम्मे दामादों से तुम्हें क्या मिलेगा। जो अपने सास ससुर की दौलत पर निगाह रखते हैं, मैं कहता हूं ऐसे लड़के, ऐ नौजवानों तुमसे मेरा आह्वान है, यदि कमा के खिलाने की औकात ना हो तो शादी करने का त्याग कर देना चाहिए, लेकिन सास ससुर की दौलत पर नजर नहीं रखना चाहिए। दूसरे की कमाई हुई दौलत पर नजर रखते हो, लड़की भी लेते हो दहेज भी लेते हो, शादी करने का इतना शौक है इन भुजाओं में कमाने की ताकत भी पैदा करो। तो ध्यान रखिए, कोई सास ससुर दौलत दे रहा हो तो कह देना पिताजी
हमें इस घर से लड़की चाहिए, हमें दौलत की कोई जरूरत नहीं है, एक संस्कारित बेटी चाहिए जो हमारे घर को स्वर्ग बना दे। क्या बात देखते हो, मेरा बेटा डॉक्टर है, इतना पैसा तो लेना ही पड़ेगा, मेरा बेटा इंजीनियर है, उसकी पढ़ाई में इतना पैसा लगा है। एक आदमी को मैं जानता हूं, उसके बेटा डॉक्टर था, वह लड़की देखने गई, जाकर के मालूम है लड़की वालों से क्या कहती है, लड़की तो सुंदर है, सब कुछ है, आओ थोड़ा लेन देन की बात कर लेते हैं। लड़की के बाप ने कहा कि बेटा डॉक्टर है और लेन देन की बात कर रही हो। बोले देखो भाई साहब, पैसा तो खर्च होता है ना, बच्चे को हमने पढ़ाया लिखाया, इतनी ट्यूशन दी, MBBS कराया, पैसा तो लिया होगा ना। अरे ऐसी लिस्ट पकड़ा रही है, इतने के कपड़े पहनाए, इतने का खर्चा हुआ, ये ट्यूशन में खर्च हुआ, ये डॉक्टर को पढ़ाई की उसका खर्च हुआ, इस बच्चे पर इतना खर्च हुआ, बाहर रहकर पढ़ा इतना खर्च हुआ, ऐसी लिस्ट दे रही है। इनका ऐसा लग रहा है कि बच्चा इसकी कोख से पैदा नहीं हुआ, किसी म्यूनिसिपालिटी के कचरे घर से जैसे बच्चे को उठा कर लाए हो। एक माँ कीमत लगा रही है अपने बच्चे की, अपने बच्चे की पढ़ाई की कीमत लगा रही है, वह लिस्ट पकड़ा रही है। घर तेरे की जिंदगी मान्यवर, एक कसाई तो जानवर का मांस काट कर बेचता है, जो माँ बाप बेटे का दहेज लेते हैं ना, वो जीते जी अपने बेटे का मांस बेचा करते हैं, अपने बेटे का व्यापार दूल्हे बिक रहे हैं इस देश में, अपने लड़के को बेच दिया। इतने नखरे हैं तुम्हारे, एक दहेज विरोधी आंदोलन का अध्यक्ष जो बड़ी बड़ी सभाएं करता है, हम समाज में जन जागरण कर रहे हैं, दहेज विरोधी आंदोलन, जब उसके बेटे की शादी होती है, लड़की देखने जाता है, और लड़की वाले जब पूछते हैं कि भाई साहब तो ये रिश्ता पक्का समझू, नहीं रिश्ता तो पक्का है, थोड़ा सा क्या है कि ये लड़की पैर फेंक कर चलती है। तो लड़की के बाप ने कहा पैर फेंक कर चलती तो मैं क्या करूं। बोले ऐसा करो भाई साहब, 5 लाख रुपए और ले लेना। अरे दहेज विरोधी आंदोलन, मैंने दुनिया में दहेज के विरोध में जन जागरण, मैं दहेज महेज नहीं लेता हूं। अरे भाई साहब चलता है बात, 5 लाख रुपए आप ले लीजिए पैर। उसने कहा हाँ यार, बात तो ये है, पैर यार कौन देखता है, सोचो 5 लाख में लड़की का पैर सही हो गया तो फिर रिश्ता पक्का सामने। अरे नहीं बस लड़की थोड़ा सा बात करते समय तिरछा सा देखती है। बोली भाई साहब 5 लाख और प्लस कर लीजिए। अरे आंख माँ कौन देखता है भाई साहब, हम तो दहेज महेज लेते नहीं है, कोई बात नहीं है। बोले लड़की थोड़ा बोलने में हकलाती है, बोले 5 लाख और, बोली लग रही है लड़के की ध्यान रख रही है, बिक रहा है लड़का, सौदेबाजी हो रहे हैं। आप विचार तो करिए, देखो भाई साहब दहेज महेज के तो हम सख्त खिलाफ हैं, लेकिन क्या करें, आप यदि चाहते हो आपकी बेटी नाजों से पली है, अब आजकल की बेटियां बसों में धक्का तो खाना नहीं चाहती हैं, कौन लंबा लंबा सफर ट्रेन से, हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारी बेटी आप चाहो कि बसों में धक्के नहीं खाए, एक 10-20 लाख की कार तो हम तो जिंदगी में उस कार में बैठेंगे नहीं, हमने तो सौगंध खाई हम जिंदगी में कभी दहेज नहीं लेंगे, हम तो समाज सेवक लोग हैं, हम तो सोशल वर्कर, लेकिन लड़कियां कहां मानती हैं आजकल, एक कार हो जाए तो फिर मामला। और देखो भाई साहब हम लोग गांधीवादी लोग हैं, हम तो पुराने जमाने के लोग हैं, हमारे यहाँ नौकर नौकरानियां तो रहती नहीं है, लेकिन आजकल की बेटियां खाना बनाना कहां जानती हैं। एक काम करो, नौकरानी लगेगी थोड़ा बहुत बच्ची की खुशी के लिए, और आजकल भाई साहब आप तो जानते हैं ये बच्चियां भूखी रह जाएं लेकिन डायमंड सेट पहने बिना नहीं रहती हैं। अब आप क्या चाहते हो कि आपकी बेटी बिना आभूषण के दिखाई दे, भरी समाज में हमें जाना पड़ता है, एक आध डायमंड सेट हमें दहेज नहीं चाहिए। दर तेरे की आदमी की जिंदगी मुंह में राम बगल में छुरी, कितनी स्टाइल से मांगता है, नुमाइश हो रही है लड़की की, लड़की देखने जाते हैं, लड़के लड़की को अलग बंद कमरे में छोड़ देते हैं,
कि बेटा आप बात कर लो, हम माँ बाप बाहर बात कर रहे हैं, बाहर नोटों की बात हो रही है, अंदर लड़के लड़की बात हो रहे। तो कैसी झांकी बना रखा है बेटियों को, प्रदर्शनी बना रखा है बेटियों को। लड़के ने पूछा, क्यों तुझे गाना गाना आता है? लड़की ने नीची निगाह करी, बोली नहीं मुझे गाना नहीं आता है। तो बोले एक बात बता, तुझे नाचना आता है? लड़की ने कहा नहीं मुझे नाचना नहीं आता है। पूछे जा रहा लड़की ने कहा एक प्रश्न मैं पूछ सकती हूं? लड़के ने बोला पूछो, क्या पूछना है? बोले तुझे ढोलक बजाना आती है? उसने कहा क्या बदतमीजी है ये? बोले आप एक घंटे से बदतमीजी कर रहे हैं मेरे साथ कि तुझे नाचना आता है कि नहीं, गाना आता है कि नहीं, प्रश्न पे प्रश्न किए जा रहे हैं। और मैंने एक प्रश्न कर लिया तो बदतमीजी हो गई? बदतमीजी आपने शुरू की है। आप मुझसे पूछ रहे तुझे गाना आता है, तुझे नाचना आता है? कमबख्त जरा ये बता, तुझे ढोलक बजाना आती है कि नहीं? बोले क्या मतलब है? बोले जब मैं नाचूंगी गाऊंगी ढोलक, क्या तेरा बाप बजाएगा? मान्यवर, लड़कियों को थोड़ा सा तैयार रहना होगा। दहेज के भेड़िए घर में आए, धक्के मार कर भगा दीजिए। लड़की के पिताओं से कहूंगा, दहेज के लोभियों को अपने घर में कभी घुसने मत दें।